नमस्कार, मैं मानवी ठाकुर, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। नगर निगम के पार्षदों का दल पार्षद और कार्यकारिणी सदस्य मंसूर बदर और मोहर्रम अली पप्पू के साथ बंद स्लॉटर हाउस खुलवाने और बोड़ीमाई के नाले में गिरने से हुए बच्चे की मौत पर परिवार को आर्थिक मदद दिलवाने व खुले नालों को कवर करवाने के लिए मेला नगर आयुक्त ने भरोसा दिया कि जल्द ही होगी कार्रवाई। नगर निगम के पार्षदों का दल पार्षद और कार्यकारिणी सदस्य मंसूर बदर और मोहर्रम अली पप्पू के नेतृत्व में बंद स्लॉटर हाउस को चलवाने और बोड़ीमाई के नाले में गिरने से बच्चे की मौत पर परिवार को आर्थिक सहायता दिलवाने व खुले नालों को कवर करवाने के लिए नगर आयुक्त संजय चौहान से मिला। पार्षद मंसूर बदर ने बताया कि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 114 निगम के अनिवार्य कर्तव्य में शामिल है कि नगर निगम फूड चेन को बाधित नहीं होने देगा। नगर निगम स्वयं वैकल्पिक व्यवस्था पर कमेला को चलाए, पूर्व में नगर पालिका और निगम स्वयं इसको संचालित करता रहा है। मंसूर ने कहा कि कमेला बंद होने से हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं, निगम को प्रत्येक दिन आर्थिक हानि हो रही है। आगे रमजान है, अविलंब कमेला संचालित हो। नगर आयुक्त ने विश्वास दिलाया कि जल्द ही इस पर हम काम करेगा। पार्षद मोहर्रम अली पप्पू और अहमद मलिक ने कहा कि निगम को अविलंब कमेला का स्वयं संचालन करना चाहिए। उन्होंने बूढ़ी माई के पास खुले नाले में गिरने से हुए बच्चे के परिवार को तुरंत आर्थिक मदद करवाने की मांग की। पार्षद सईद सिद्दीकी धार मंसूरी गुलजेब खान ने कहा कि नगर में जहां जहां नाले खुले हैं वो कवर होने चाहिए। पार्षद जफर अंसारी, समीर अंसारी, आसिफ अंसारी और रईस पप्पू ने कहा कि ऐसी घटना दोबारा ना हो, निगम को ऐसा प्रयास करना चाहिए और कमेला जल्द से जल्द खुलना चाहिए क्योंकि इससे अवैध स्लॉटरिंग बढ़ रही है। नगर आयुक्त ने विश्वास दिलाया कि बहुत जल्द इन सब पर काम होगा। ताबिश फैजान की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हर खबरों का अपडेट पाने के लिए बने रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ।